हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक. दिस इज मी मीनिश नाम, और हमारे साथ हैं, मोहम्मद उमर। आप चाहे आगे भी कुछ बोल सकते हैं. दिल चाह रहा है तो कुछ, दिल नहीं चाह रहा कुछ बेजार, कुछ दिल नहीं चाह रहा मेरा. अच्छा, आज हम लोग ज़्यादा लंबी पहले बातें नहीं करेंगे. जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे जाकिर की स्टैंड अप कॉमेडी बहुत ज़्यादा पसंद है. बेसिकली मुझे स्टैंड अप कॉमेडी ही बहुत पसंद है. बहुत मुनव्वर पसंद है। बहुत पसंद है, जो कि आप बिल्कुल नहीं करते. आप तो सिटिंग कॉमेडी भी नहीं करते. खैर, हम लोग अभी देखने वाले आपके साथ हैं. रह के हम बन जाएंगे ना कॉमेडी। बिल्कुल, अच्छे अच्छों को यहाँ से मैंने कॉमेडियन बना के भेजा. आप जाएंगे इंशाल्लाह, हंसते भी जाएंगे यहाँ से. अच्छा, हम लोग अभी जाकिर की स्टैंड अप कॉमेडी पे रिएक्शन देने वाले हैं, और इसका नाम है नीन वर्सेस लड़ाई. हम रहने लगे है ना, फिर हमने नई नई चीजें सीखी, जैसे कि सोफे पे जो रखा रहता है उसका नाम तकिया नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है, कुशन है वो। कुशन को कुशन ही कहना होता है, तकिया नहीं कहना होता। जबकि हमारा रिलेशनशिप का आइडिया अलग था, हमको लगता था कि जिस दिन भी हम साथ रहेंगे किसी बंदी के तो क्या होगा, ऐसे तकियों में से रुई निकाल निकाल के एक दूसरे पे फेंकेंगे कि सजन घर आना, है ना, सब वो वाला माहौल होगा। तकिए को तो हाथ मत लगा दियो सुअर, और रुई बाहर निकाल के घर में कचरा, हट साहब। पहले पहले दिन हम जब इनके साथ रहने लगे, ठीक है, तो हम नहाने गए, है ना, फिर ये आई नहाने के लिए। अरे वो बाद में आई, इतनी डिटेल ना मस्तराम थोड़ी सुना रहा हूँ यार मैं। वो अलग शो है, वो रात को 2 बजे चलता है, पागल लोग। अपन नहा के निकले है ना, पीछे पीछे फिर ये आई अपना नहाने के लिए, इन्होंने 2 मिनट में आवाज लगा दी, जाकिर 2 मिनट इधर आना। एक तो नाम लिया मतलब वही गड़बड़ा है। मन कहा, हाँ जी बोली, फिर यार तुमने बाथरूम गीला छोड़ दिया, उसका नाम बाथरूम, उसको मैं कैसा छोड़ू, उसमें दरवाजा लगा, ये बड़ी बात है मेरे लिए तो, कि नहाते टाइम गाना नहीं गाना पड़ रहा। किरिनी कोई और आएगा, ड्राई करके जाना चाहिए था ना, मतलब ऐसे थोड़ा सा यार, कोई कोई चीज़ तुमको मालूम होती कि प्लेट उठा के सिंक में रखनी चाहिए, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, मुझे लगता था नहाना बड़ी चीज है, मैं नहा लिया बहुत हो गया, इससे ज्यादा मेरे से कॉन्ट्रीब्यूट मत करवाओ। तो साहब मुझे बड़ा डिफेंसिव फील हुआ, मेरे को लगा ये बात मेरे को पता नहीं थी, और तब मेरा ऐसा मानना था कि पर्सनल अटैक इज बेस्ट काइंड ऑफ डिफेंस, ऐसा मेरे को लगा। तो मैंने बोला कि तुम इतनी बड़ी हो गई, तुमको गीले बाथरूम में खड़े होकर नहाना नहीं है। कुछ बोली नहीं, चुप हो गई वो, और अपना तो पानी वाला हिसाब है, जगह दोगे मैं फैलूंगा। मेरे को लगा एक पंच लैंड हो गया, जरा एक और सरका दे। मैंने बोला तू नहाने कैसे वाली थी, शावर ऑन करके नहाती ना, फिर क्या हो जाता, फिर बाथरूम गीला नहीं हो जाता, क्यों 2 मिनट के लिए फालतू में कॉन्फ्लिक्ट कर रही हो। कुछ कुछ चीजें बिना लड़ाई के भी सॉल्व होती हैं, ठीक है, नहा लो यार चुपचाप, बोल के तुम्हारा भाई शान से बाहर आ गया। वो आराम से नहीं नहा के बाहर निकली, उसके बाद जो उसने कूटा है मुझे, उसने पेल दिया भाई, उसने शाम को 6 बजे अंधेरा अंधेरा कर दिया मेरे। और क्या भाई साहब, मैं नहीं कह रहा था, इसकी लड़ने की कैपेसिटी मेरे से तो बहुत ज्यादा थी, लड़कियों का जनरली होता है कि नहीं होता है, पर मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि 6 फिट का आदमी होता है, 4 फिट की बित्ते सी औरत होती है और रुला उला देती है उसे। मेरी तो साहब कम जीबी की रैम है, ठीक है, मैं ज्यादा हैवी फाइल अपलोड नहीं कर पाता, तो मुझसे बहुत देर लड़ो तो मुझे नींद आती है, इसका तो 10 मिनट में, अभी इसकी तो मशीन ही गर्म हुई है, मुझे नींद आ रही है। वो मुझे कह रही जाकिर यू कैन नॉट से, मैं कैन नॉट क्या करेगा इसके अंदर, अब यार मेरे हाथ में थोड़ी है यार नींद, हमें कहा सुन रहा हूँ,
तीन मिनट तुम्हारा बैठ स्वप्न लोक में चला गया मैं। सुबह 8:30 बजे मेरी नींद खुली, इसका तो ऑफिस है, ये तो अभी भी जाती है ऑफिस, मैं छुट्टी पे, मैंने नौकरी छोड़ी। आंख खुली, आंख खुलते उसने पेलना चालू कर दिया मुझे। One thing I told you, Zakir, in the beginning of the relationship that I hate sleeping with a flight. अरे ये किस टाइप की बात है यार, ये पता नहीं इंस्टाग्राम पे लोगों ने पता नहीं क्या चला दे कि never sleep with a flight। अरे नींद आ रही, तो क्या सोए नहीं आज? बड़े बड़े महाभारत के युद्ध हो गए, वो भी शाम को रोकते थे भाई अब कल अभी सोऊंगा मैं, अब कल नहीं, कल शुरू से करेंगे, अब नहीं। ये बताओ यार जबरदस्ती, ये किस टाइप का इंटरनेट से पढ़ पढ़ के आ गई है कि डू नॉट स्लीप विद द फाइट। अरे घंटा सुबह याद रहा लड़ लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। और नींद का क्या लेना देना है यार लड़ाई से? आंख खुलते रगड़ दिया उनने मुझे, खुलते पेल दिया बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ सारी बात सही है, उसकी सारी बात एकदम टॉपिक एक एक करेक्ट, पर फिर भी तुमको मुझे ह्यूमन कंसिडरेशन में 30 सेकेंड्स बफरिंग टाइम देना पड़ेगा। मेरा तो स्कूल का ट्रॉमा अभी तक गया नहीं है, मैं तो उठता हूँ मुझे लगता है लेट हो गए। मेरे दिमाग में वो सब चल रहा है कि अरे यार पापा लेके नहीं गए क्या, तो अब खुद जाना पड़ेगा क्या स्कूल है? और मम्मी किधर है यार, मैं देख रहा हूँ किसके घर में जग गए हैं, और कौन दीदी चिल्ला रही है यार। कुछ नहीं, चली गई है साहब, ठीक है अपना ऑफिस ऑफिस चली गई, वहां से फोन कर रही हैं। अब लड़कियां ना एस्केलेट तो कर देती हैं, लड़ाई खूब दिल से लड़ती हैं वो, फिर उनको ना खुद ही बुरा लग रहा होता है। मेरा ऐसा मानना है कि मैं ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया को ये लेटर लिखना चाहता हूँ कि ओवर थिंकिंग को ओलंपिक में ऐड किया जाए, उसके बाद मेरे देश की बेटियां जो हमारा नाम रोशन करेंगी। ये क्या लड़ने में ना पूरा पैशन लगा देती है, फिर उसके बाद जब ये वहां से जाती हैं तो इनको खुद ही बुरा लग रहा है कि ज्यादा चिल्ला दिया है, ज्यादा बोल दिया ज्यादा। फिर खुद ही अपने पे हंसरी होती है, बेचारा सोएगा नहीं क्या, इसको नींद आ गई उस पर भी मैंने पेल दिया। फिर हाय सोने पे थोड़ी किसी को डांट सकते हो यार, तुम कोई सो गया तो सो गया यार, चलता है, मैं भी पागल हूं। पर ये बोला नहीं जा रहा उनसे कि मैंने सोने पे तेरे को पेल दिया सॉरी, ये नहीं, वो रैंडम बातें करके तुमको ऐसे वो नॉर्मलाइज करेंगे। फोन करके मुझसे कह रही पता है तेरे को, पता है जारा की सेल आ गई है, पता है तुझे फूशिया पिंक कलर का पजामा किया उन्होंने, फूशिया पिंक कलर का कोई पजामा करता है, उसके साथ बेज कलर का स्वेटर, छी कितना गंदा लगेगा। हे मैंने कार्ट में ऐड करने के लिए मैंने बटन दबाया, देख रही हूँ स्मॉल अवेलेबल ही नहीं है। मैंने कहा एक मिनट, ये तेरे को ना उसका कलर पसंद है ना उसका स्टाइल पसंद है, फिर तू कार्ट में क्यों ऐड कर रही? कह रही मैं सोच रही हूँ मैं ले भी सकती हूँ। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि लड़कियाँ कभी भी हमें जो है फ्रेंड जोन नहीं करती हैं वो। वो हमें कार्ट में ऐड कर रही है दोस्त। कितनी सच्चाई है इस बात में? आप भी देख रही थी, आपको ज्यादा पता होगा, आपके बारे में ही बता रहा था। मैं तो खुद कह रही हूँ कितनी सच्चाई है इस बारे में, मतलब ऐसा है आप कभी आपकी लड़की से किसी लड़ाई बड़ाई हुई हो घर में, बहन बहन से या मतलब कजन से या फ्रेंड से लड़ाई वड़ाई हुई हो, बड़ा आप हार गए हो वो जीती हो? लड़ाई तो हर किसी से ही होती है। जैसे अब मतलब लड़के और लड़कियों में अगर देखा जाए, अगर हम दोनों लड़ें तो कौन जीतेगा? बगैर सोचे समझे बंदे ने कहा
वही ये जीतेगी तो मतलब बात में सच्चाई थी ना, तो और लड़ाका हकीकत है तो आप ही जीतेंगे ना। हकीकत है, और इस चीज से मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी कि वाकई मतलब लड़कियां बहुत ज्यादा लड़ाका होती हैं, सही है, लड़के भी होते हैं लेकिन लड़कियां वाकई बहुत ज्यादा लड़ाका होती हैं, सही। और नींद वर्सेस लड़ाई में अगर देखा जाए तो लड़के ज्यादा इस मामले में ऐसे होते हैं कि मतलब अब अगर लड़ाई लड़ हाँ आधे नींद में वो लड़की बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है, वो हाँ वो सोना है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा उन्हें, हालांकि सुबह उठ के उन्हें भी लड़ना है वहीं जबान की से। तेज होती है बस लड़कियां, कोई भी ले लो, कोई भी रिश्ता ले लो, जबान की तेज होती है बस, जैसे जीत जाती है। ये बंदा हर तरफ से ना सेफ साइड लेके चलता है, घर भी जाना है, अभी सोचा यार मैंने तो लड़कियों के बारे में ऐसा बोल दिया, मुझे तो फिर घर जाना है, अब क्या होगा, चलो सेफ साइड करो, जबान की तेज होती है बस और क्या है। नहीं लेकिन मैं कह रही हूँ ऐसा होता है, मतलब अगर लड़के और लड़कियों की लड़ाई में देखा जाए ना तो हालांकि मैं खुद लड़की हूँ लेकिन लड़कियां जीत जाएंगी, लड़कियां जीत लड़कियां जाएंगी लड़ाई में, लड़कियां अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियां अल्हम्दुलिल्लाह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लड़की हूँ भाई तो लड़कियां जीत जाएंगी लड़कों से लड़ाई में। मैं सोच रही हूँ ना किसी दिन ना हम एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें ना हम लोग लड़ें, यानी कि क्या क्या लिखा है, कुछ हम लोग सामान वामान लिखे हैं? जरूरत ही नहीं है उस चीज की वैसे तो। अच्छा आप लोग भी बताइएगा अगर हम दोनों लड़ें तो कौन जीतेगा, मैं जीत जाऊंगी या ये जीत जाएंगे। ये तो यही बताएंगे, हाँ अब आप ही लोग ये लोग बताइएगा बताएंगे। अब आप ही लोग बताइएगा कि ये जीतेंगे या मैं जीतूंगी। पता नहीं मुझे तो अभी से ना मतलब आवाजें सुनाई दे रही है विनर की, ऐसा लग रहा है मैं विनर हो चुकी हूँ। अच्छा नींद के मामले में कच्चे हैं आप क्यों कि मतलब अगर जैसे ऐसा क्यों बोल रहे? नहीं जैसे मतलब नींद के मामले में कच्चे हैं कि अगर नींद आ रही है मतलब बैठे में और नींद आ गई तो बैठे बैठे सोते ना आंख लग गई बंदा नींद कभी आ रहा है तो सोएगा ना, जैसे अभी मुझे नींद आ रही है, मैं सोने के सो लिए जाएंगे, सो जाऊंगा। लेकिन सोए नहीं ना इसका मतलब कच्चे नहीं है, वरना ऐसा होता है। मतलब जैसे अगर मैं हाँ अपनी बात करूं अगर मुझे बहुत तेज नींद आ रही है ना और मैं अगर बोलूं नहीं तो बोलना मेरी हॉबी है, और अगर मैं ना बोलूं ना और मैं ऐसे फारिग बैठी होंगी तो मेरी आंख लग जाएगी। मैं नींद के मामले में ऐसी हूँ, तो मतलब आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि भाई नींद के मामले में इतने इसको कच्चे हैं। इसको बोलेंगे कच्ची नींद। हाँ कि मतलब अगर नींद आएगी ना तो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपकी आंख लग जाएगी भले आप बैठे हुए हों, आप लेटे हुए हों या आप लेकिन कहीं पे भी हों। थकान होती है, थकान की अलग ही नींद होती है, वो तो बंदा फौरन सो जाता है। अब मुझे लग रहा है बहुत थके और ये फौरन सो जाएंगे, सो जाएगा। इससे पहले सो जाएं। देखिए मैं अभी जाते हुए से पत्नी से बात कहूंगी, देखिए आप लोगों के लिए बैठ के ही इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, इतनी नींद में बैठ के वीडियो बना रहे हैं, तो अब तो जो है ना मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए ना। वैसे मैं आप लोगों से बहुत नाराज होने वाली थी कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, क्यों भाई मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करी हूँ, साथ वाला बंदा देखे हैं नींद में बैठा हुआ है, मैं वो मुझसे लड़ रहा है, मैं लड़ाई बर्दाश्त करूंगी सिर्फ आप लोगों के लिए, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरा चैनल लाजमी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा करेंगे ताकि करेंगे, हमारे क्यों नहीं करेंगे, करेंगे अब करते तो हैं, करना पड़ेगा कुछ तो बोला बंदा आप, तो भाई करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता ही है, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए मुझे और उमर मोहम्मद उमर अली को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।